हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस संचरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब होता है प्रवाह। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर ट्रांसफर होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर प्रवाह होता है तथा हमारे शरीर के अंदर जो लिम्फ होता है वो भी हमारे शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर के अंदर लिम्फ तथा रक्त के प्रवाह को हम परिसंचरण कहते हैं तथा परिसंचरण का अध्ययन विज्ञान की हम जिस शाखा के अंदर करते हैं उसे कहते हैं एंजियोलॉजी तथा विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक एंजियोलॉजी के पिता या जनक माना जाता है। एंजियोलॉजी के अंदर हम मुख्य रूप से ब्लड तथा ब्लड के विभिन्न घटकों का अध्ययन करते हैं तथा हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर तथा शरीर के विभिन्न भागों की से हृदय की ओर रक्त के जो प्रवाह होता है उसका अध्ययन भी हम एंजियोलॉजी के अंदर ही करते हैं। सबसे पहले आज फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड। ब्लड होता है वो मुख्य रूप से तरल अवस्था में उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 अर्थात हल्का सारे होता है। जब पीएच 7 होता है तो हम उसे उदासीन पीएच मानते हैं। दोस्तों, जब पीएच का मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय पीएच कहते हैं, जब पीएच का मान 7 से ऊपर होता है तो उसे सारी पीएच कहते हैं। जो हमारे रक्त का पीएच होता है ह्यूमन का वो 7.4 होता है अर्थात 7 से थोड़ा सा अधिक होता है अर्थात हल्का सारी होता है। मानव रुधिर में इलास्टिन व रेसिन नहीं पाए जाते हैं तथा रुधिर की जो मात्रा होती है एक वयस्क मनुष्य में उसके बॉडी वेट का 8% होती है अर्थात एक वयस्क मनुष्य में जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है तथा जो मानव रक्त की पीएच है उसमें उपस्थित कार्बोनिल बफर विलयन की वजह से स्थिर होते हैं। जो बफर विलयन होते हैं वो पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं तथा महिलाओं में रक्त की जो मात्रा होती है वो पुरुषों की तुलना में कम होती है। मानव से कलेक्ट किए गए जो भी ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है डोनेट किया हुआ उस ब्लड को जमने से रोकने के लिए उसके अंदर EDTA एथिलीन डाईएमिन टेट्राएसीटेट या सोडियम डेक्सटेट मिलाया जाता है क्योंकि EDTA जो रासायनिक पदार्थ होता है उसकी कैल्शियम के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये रक्त को जमने से रोकता है तथा ब्लड बैंक के अंदर हम रक्त को 4.4 डिग्री सेल्सियस पर अर्थात 39.924 एनआईट पर रखते हैं तथा इंडिया के अंदर एक यूनिट ब्लड के अंदर 350 ml ब्लड होता है तथा अमेरिका के अंदर एक यूनिट के अंदर 420 ml ब्लड होता है। रक्त होता है मुख्य रूप से दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट वन होता है वो प्लाज्मा होता है, सेकंड होता है वो रक्त कणिकाएं होते हैं। प्लाज्मा होता है वो रक्त का 55% हिस्सा होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं वो 45% हिस्सा होता है अर्थात 45% हिस्सा होती है तथा जो प्लाज्मा होता है वो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है तथा ये मुख्य रूप से दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है पानी, दूसरा होता है प्रोटीन। पानी होता है वो प्लाज्मा का 90 से 92% हिस्सा होता है तथा प्रोटीन होता है वो 8 से 10% हिस्सा होता है। प्रोटीन में मुख्य रूप से 3 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन होती है वो सोल्ट्स के तथा आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्राशन नियमन के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्लोब्यूमिन होता है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इसलिए ये प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में सहायक होता है। फाइब्रिनोजन होता है वो रक्त या ब्लड क्लोटिंग के अंदर सहायक होता है, इसलिए रक्त को जमने से रोकता है, इसलिए हम इसे रक्त स्कंदन कारक भी कहते हैं। जो ब्लड का सेकंड पार्ट होता है रक्त कणिकाएं, उसमें मुख्य रूप से हम 3 सेल्स का अध्ययन करते हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स, सेकंड होती है WBC वाइट ब्लड सेल्स, तीसरी होती है वो प्लेटलेट्स का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे RBC के बारे में। रेड ब्लड सेल्स, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। RBC सेल्स होते हैं उनके अंदर कोशिका विभाजन होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है तथा इनके अंदर ऊर्जा होती है वो ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से प्राप्त की जाती है। स्तनधारियों की जो RBC होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद स्वरूप ऊंट तथा जो लांबा के RBC होते हैं उनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। RBC का जो सामान्य जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है तथा
प्रारंभिक अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो पीतक में होता है तथा भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत में होता है तथा वयस्क अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। जब हम आरबीसी के आकार की बात करते हैं तो स्तनधारी में जो आरबीसी होती है उनका आकार होता है बाइकॉनकेव तथा ये केंद्रविहीन होती है अर्थात केंद्र अनुपस्थित होता है इनके अंदर तथा जब हम उभयचर की आरबीसी की बात करते हैं तो इनका आकार होता है बाइकॉनवेक्स तथा इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है तथा जब हम संख्या की बात करते हैं आरबीसी की तो फीमेल्स के अंदर आरबीसी की संख्या होती है वो कम होती है तथा मेल्स के अंदर होते हुए आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। मेल्स में जो आरबीसी की संख्या होती है वो 50 से 55 लाख पर घन होती है तथा फीमेल्स में होती है वो 45 से 50 लाख पर घन होती है। जब हम आरबीसी को हाइपोटोनिक विलयन के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे हाइपोटोनिक विलयन क्या होते हैं। जब हम एक मानक स्टैंडर्ड विलयन लेते हैं उसके इक्वल जो विलयन की सांद्रता होती है उसे हम कहते हैं संपराशरी विलयन तथा जिस विलयन की सांद्रता एक स्टैंडर्ड विलयन से ज़्यादा होती है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक विलयन तथा स्टैंडर्ड विलयन जो लेते हैं उससे जो कम सांद्रता होती है जिस विलयन की उस विलयन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। अब यहाँ हम ले रहे हैं हाइपोटोनिक विलयन अर्थात रक्त की सांद्रता से अधिक सांद्रता वाला विलयन हम ले रहे हैं उसे हाइपोटोनिक विलयन कहेंगे। रक्त के लिहाज से जब हम रक्त को हाइपोटोनिक विलयन में रखते हैं तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल के गमन की वजह से आरबीसी सेल्स के अंदर ब्लड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है जिससे आरबीसी सेल्स की झिल्लियाँ रप्चर हो जाती हैं तथा हीमोग्लोबिन आरबीसी सेल्स से बाहर आ जाता है इसे हम कहते हैं हीमोलाइसिस तथा आरबीसी सेल्स की कमी को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया को मुख्य रूप से तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सामान्य एनीमिया माइक्रोसाइटिक एनीमिया पर्निशियस एनीमिया। जो सामान्य एनीमिया होता है वो आयरन तथा ब्लड लॉस की वजह से होता है तथा माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है वो विटामिन B6 तथा B9 की वजह से होता है तथा पर्निशियस एनीमिया होता है वो होता है विटामिन B12 की कमी से। जो सबसे छोटी आरबीसी होती है वो कस्तूरी मार्ग के अंदर होती है तथा सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो उभयचर के अंदर होता है। जो हमारा रक्त होता है उसके अंदर जो 99% हिस्सा होता है वो आरबीसी सेल्स का होता है तथा रक्त का जो लाल रंग होता है वो आरबीसी सेल्स में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है हीम तथा ग्लोबिन होता है तथा हीमोग्लोबिन का 95% हिस्सा होता है वो हीम होता है तथा 5% हिस्सा होता है वो ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन में आयरन तत्व उपस्थित होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होता है। जब हम हीमोग्लोबिन की क्रम की बात करते हैं कि किसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो हम देखते हैं जो शिशु होता है उसके अंदर हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है इसलिए हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा आवश्यकता होगी क्योंकि उनके अंदर इसलिए आरबीसी सेल्स की संख्या भी ज़्यादा होती है इसलिए सबसे ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो भ्रूण अवस्था में होती है फिर उससे कम होती है वो बच्चों में होती है फिर उससे कम पुरुषों में और तथा सबसे कम जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो महिला में होती है। महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि महिलाओं में आतंरिक चक्र के दौरान ब्लड लॉस हो जाता है जिससे आरबीसी सेल्स की संख्या भी कम हो जाती है तथा हीमोग्लोबिन का लॉस होता है इसलिए आयरन की मात्रा भी महिलाओं में कम मात्रा में पाई जाती है। जब हम हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करते हैं तो मेल में होता है 14-16 ग्राम पर 100 ml होता है तथा फीमेल में होता है 12-14 ग्राम पर 100 ml। जो सीप व घोंगा होते हैं ना उनमें हीमोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति का उनके ब्लड का रंग होता है वो लाल रंग की बजाय नीले रंग का होता है तथा जो हीमोसाइनिक वर्णक होता है उसके अंदर कॉपर आयन उपस्थित होता है। अब हम सेकंड रक्त कणिका सेल्स वो है WBC उसके बारे में अध्ययन करते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स इनकी जो सामान्य संख्या होती है रक्त के अंदर होती है वो 6,000 से 8,000 ml/mm³ होती है। WBC सेल्स होती है उनको हम मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है वो कणिका में सेल्स होती हैं सेकंड होता है वो अकणिका में सेल्स। जब हम WBC सेल्स को डाई से रंजित करते हैं ना दोस्तों जिस WBC सेल्स के अंदर डाई प्रवेश कर जाती है उसे कहते हैं कणिका में WBC सेल। जिनके अंदर डाई प्रवेश नहीं करती है उनको कहते हैं अकणिका में सेल्स। जो WBC सेल्स होती हैं वो रंजित होते हैं था जिनके अंदर डाई प्रवेश कर जाती है उनको कहते हैं कणिका में सेल्स। कणिका में सेल्स होते हैं मुख्य रूप से तीन होती हैं न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं 60-65% तथा बक्साणु क्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो 1-4% उपस्थित होते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता था परजीवी का अटैक होता है
उस वक्त हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले रेस्पॉन्स करती हैं वो इओसिनोफिल सेल्स करती हैं, तथा इनकी जो संख्या वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तथा इओसिनोफिल सेल्स होती हैं वो एलर्जी क्रियाओं में भी बहुत भूमिका निभाती हैं। बेसोफिल सेल्स होती हैं वो सबसे कम संख्या में उपस्थित होती हैं तथा हिस्टामिन का श्रवण करती हैं। तो सेकंड एकणिका में सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। मोनोसाइट होती है वो वक्षाणु क्रियाओं का कार्य करती हैं, लिम्फोसाइट दो होती हैं, टी लिम्फोसाइट तथा बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है वो दो प्रकार की होती हैं, टी फोर सेल्स टी एट सेल्स। जब किसी व्यक्ति के अंदर एड्स हो जाता है उस टाइम होता है वो टी फोर सेल्स की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है, तथा जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो होते हैं एंटीबॉडी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम WBC सेल्स की संख्या के क्रम की बात करते हैं कि कौन सी सेल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कौन सी सेल्स कम मात्रा में, तो हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं NLM इब अतार। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तथा जो लिम्फोसाइट होती हैं वो उससे कम मात्रा में होती हैं, मोनोसाइट होती हैं वो उनसे कम मात्रा में होती हैं, तब मोनोसाइट से कम मात्रा में इओसिनोफिल्स होती हैं, तो सबसे कम मात्रा में होती हैं वो बेसोफिल्स। अर्थात न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में होती है तथा बेसोफिल सबसे कम मात्रा में होती है। जब हम RBC तथा WBC के रेशियो की बात करते हैं तो RBC और WBC का जो रेशियो होता है वो होता है 600:1 होता है, अर्थात 600:1 होती है। जब WBC की संख्या ब्लड्स के अंदर बढ़ जाती है तो हम उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। जब इनकी संख्या होती है वो कम हो जाती है तो हम इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। जब हमारे शरीर के में ब्लड के अंदर WBC की संख्या हजारों में उपस्थित होती है वो एलर्जी का संकेत होती है, जब लाखों की संख्या में उपस्थित होती है तो वो ब्लड कैंसर का संकेत होती है। हम थर्ड रक्त कणिकीय सेल्स हैं प्लेटलेट्स, जिसे बिंबाणु भी कहते हैं, पट्टिकाणु भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 1.5 to 3.5 लाख पर गण होती है। इनका कार्य होता है वो शरीर में थक्का बनने से रोकने का होता है। जो इनका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो के अंदर होता है, तथा इनकी कमी से जो डिजीज होती है तो होती है डेंगू, तथा इनकी अधिकता से होता है वो ब्लड कैंसर होता है। तथा जो थ्रोम्बोसाइट सेल्स होते हैं इनका निर्माण होता है वो मेगाकेरियोसाइट्स के विभाजन से होता है, वो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तथा डेंगू के अंदर हम प्राथमिक उपचार के तौर पर ऊँटनी का दूध, बकरी का दूध, मादा भेड़ का दूध, नारियल पानी, कीवी फल